नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। और आपको बता दें कि लगातार हम कोशिश करते हैं कि जो भी विकास के कार्य हैं उसकी समीक्षा की जाए और उसका खबर आप तक पहुंचाया जाए। तो हम बात कर रहे हैं पंचायती राज चुनाव के। तो पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद से लगभग सारे पंचायतों में नए नए कार्य शुरू हो चुके हैं। तो अब बड़िया प्रखंड के ओराई पंचायत के जो मुखिया हैं कौलेश्वर प्रसाद, उनके माध्यम से जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं उस कार्य की समीक्षा के लिए हम आए हुए हैं। ऐसा कि ग्रामीणों का कुछ लोगों का नाम था कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसमें 2 नंबर ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ग्राउंड पे जाके मैं उसका जांच पड़ताल करूँ, देखूँ कैसे ईंटों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं औराई पंचायत के औराई गाँव से ही। और ये जो दहा नदी है, जो नदी के किनारे यहाँ पे एक घाट बनाया जा रहा है इसमें मुखिया जी के माध्यम से, और ये 15वीं वित्त योजना के तहत पंचायती राज चुनाव के तहत ये कार्य हो रहा है। और कार्य अभी प्रगति पे है और मजदूर लोग भी यहाँ आ चुके हैं कार्य करने के लिए। और इसमें दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ईंट इसमें लगा हुआ है इस ईंट का क्वालिटी क्या है, और इसमें जो जो यहाँ पे सरिया लगा हुआ है इस सरिया का क्या है, कितने एमएम के सरिया का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरह का कार्य हो रहा है इसको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको अभी। तो देख रहे हैं यहाँ पे लेबर लोग आ चुके हैं जो अपने कार्य को यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ के जो कार्य अभी तक हुए हैं, जो यहाँ पे जुड़ाई हुआ है उसमें ईंटों का जो प्रयोग किया गया, वो ईंटों को आपको दिखाने का हम कार्य कर रहे हैं। और ऐसा लोगों का नाम था कि 2 नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी ईंट इसमें लगाए गए हैं उत्तम क्वालिटी का ईंट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे जो 4 फीट ऊंचाई का दीवार जोड़ना था, करीब उससे ज़्यादा ऊंचाई का दीवार यहाँ पे जोड़ा जा रहा है मुखिया जी के माध्यम से, जैसा कि आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें फिर से कि औराई पंचायत के औराई गाँव में अभी मौजूद हैं और यहाँ पे दहा नदी के किनारे यहाँ पे घाट का निर्माण किया जा रहा है मुखिया जी के माध्यम से। और यहाँ पे कार्य अभी प्रगति पे है, उसी का समीक्षा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और ये दहा नदी पुल जो है उसी के बगल में ये घाट भी बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि किस क्वालिटी का यहाँ पे सामान इसमें लगाए जा रहे हैं और कैसे कार्य कहाँ भर हुआ जी है। तो आप ही के पंचायत में काम हो रहा है जी। तो इस काम से आप खुश है, आपके पंचायत में जो काम हो रहा है मुखिया जी के माध्यम से जो कार्य हो रहा है सही हो रहा है आपके नजर? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे ईंटा 2 नंबर लगाया जा रहा है, सीमेंट बालू 2 नंबर सीमेंट बालू यूज किया जा रहा है। ना ना, एक जॉब सब में काम 1 नंबर होता है जी, काम 1 नंबर हो रहा है जी जी। देखिए ये लेबर है जो अपना कार्य कर रहे हैं यहाँ के, कुछ ग्रामीण है लोगों का नाम है कि कार्य जितना उम्मीद विश्वास था उस पर सही कार्य हो रहा है और यहाँ पे 1 नंबर ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है और सीमेंट बालू भी जो है यहाँ का और गिट्टी भी हुआ उच्च क्वालिटी का प्रयोग किया जा रहा है। काम हमने को है ना, तो क्या कहते हैं इस काम को लेकर, आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है हमारे, कौन चैनल है? N20 चैनल को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मुखिया जी 15वीं वित्त योजना के तहत ये कार्य हो रहा है आपके पंचायत में और कुछ लोगों का नाम था कि इसमें 2 नंबर काम किया जा रहा है, तो हमने आके यहाँ पे लोगों से जान, लोगों का कहना है कि नहीं यहाँ पे उच्च क्वालिटी के प्रयोग किए जा रहे हैं, ईंटा हो या गिट्टी हो या सीमेंट हो या बालू हो, तो क्यों इस तरह का साजिश? जितने भी हमारे पीछे से जितने भी मैंने प्रतिनिधि चुनाव जीते हुए हैं चाहे जीत करके गए हैं, वो घटिया काम किए हैं, वो समझते हैं कि हम भी घटिया काम करें, लेकिन हमारी जनता इतना खुश, हमारे पंचायत की जनता इतना खुश है कि जो 20 वर्ष पहले ये काम जो नहीं हुआ था आज हम इस काम को दिखा रहे हैं, तो वही लोग सोच रहे हैं कि हम 20 वर्ष रहते हुए काम नहीं किया, आज हम लोगों से एकदम अति अनवायर हो रहे हैं, इसलिए अनेक तरह का ये दो जिला का बॉर्डर है, दो जिला का बॉर्डर पे काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ही तय होगा सिवान की विकास की स्थिति, क्योंकि यहाँ से गोपालगंज उस साइड पड़ता है, इधर सिवान पड़ता है, अगर इसका विकास सही से होगा तो इसे मालूम चलेगा सिवान में विकास हुआ है और वहाँ विकास होगा तो मालूम चलेगा गोपालगंज में विकास हुआ है। गोपालगंज के लोग भी आते हैं तो कहते हैं कि मुखिया जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि यहाँ कोई मुखिया ऐसा काम नहीं किया है न कर रहा है, तो हम तो कहें कि हमारे पीछे जो भी हमारे प्रतिद्वंदी लगे हुए हैं उससे हमको डर नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी काम हो स्वच्छ और साफ हो, और इसके लिए हम एकदम तत्पर अपना संघर्षशील रहेंगे। मुखिया जी क्या लग रहा है चुनाव जीतने से पहले जो वादा किए थे आप पंचायत की जनता से, उस वादा पे आप खड़ा उतर रहे हैं? एकदम हम खड़ा उतरेंगे और उतर रहे हैं, इसके लिए हम एकदम संघर्षशील हैं। तो क्या उम्मीद रखा जाए कि पंचायत में जो विकास रुका हुआ था, जो स्थगित विकास था, वो आपके कार्यकाल में दिखाई देगा, सामने आएगा? एकदम दिखाई देगा, अभी दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमारे साथ ये वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के औराई पंचायत के, और इनका साफ का नाम है कि ये कार्य करीब
20 वर्षों से नहीं हुआ था जो कार्य मेरे पंचायत में, वो अब हो रहा है। इसलिए जो भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको ये हजम नहीं हो रहा है, लेकिन जनता को पता है कि क्या हकीकत है और जनता इस कार्य से कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि सारे लोग यहाँ चाहते थे कि ये सार्वजनिक छठ घाट है, यहाँ पे घाट का निर्माण कराया जाए, जिसका कार्य अभी हो भी रहा है। और कहीं ना कहीं जिस उम्मीद और विश्वास से जनता इनको अपना मुखिया चुनी थी, उस उम्मीद और विश्वास पे ये खरा उतरने का काम भी कर रहे हैं और जनता का विश्वास को जीतने का भी इन्होंने काम किए हैं। ताइए कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं, सिवान जिला में अभी मौजूद हैं आप। तो यहाँ पे सिवान जिला में यहाँ के जो औराई पंचायत के मुखिया हैं, उनके माध्यम से छठ घाट बनाया जा रहा है, कैसा कार्य हो रहा है यहाँ? सही हो रहा है। आपके भी तो पंचायत में वहाँ पे कार्य हो रहा है, वो कैसा, वो वहाँ पे क्या चीज़ कार्य हो रहा है? इसी का काम हो रहा है, सौदागिरी वहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी लगाया जा रहा है ईंटों के, सीमेंट के, गिट्टी का, वो किस क्वालिटी का यहाँ पे लगाया जा रहा है? सही क्वालिटी का लगाया। दो नंबर काम हो रहा है कि एक नंबर? एक नंबर। तो ये दूसरे जिले के रहने वाले हैं और दूसरे पंचायत के रहने वाले, इनका क्या नाम है कि उराई पंचायत का जो अभी वर्तमान जो कार्य हो रहा है वो सही कार्य हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर सामान यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ताइए इनके जो लड़के हैं मुखिया जी के, उनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। तो भैया इस चैनल से जी क्या लग रहा है आपको कि इस तरह के जो सर, आप लोगों पे? सर देखिए, अब देखिए दुनिया क्या कहती है, लेकिन हम लोगों को जो सच्चाई है बर्दाश्त नहीं होता है। आप हम तो कहते हैं अपने पंचायत की सरकार से कि हमारे यहाँ साथ में कर्मी बैठा कर काम कीजिए ना, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो हम बहुत संघर्षशील आदमी, हम लड़ेंगे, वहाँ तक लड़ेंगे। ये सार्वजनिक छठ घाट है, यहाँ पे पूरे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं छठ घाट बन जाने से गांव के लोगों की सुविधाएं मिलेगी। सर आपको तो हम क्या बताएं, आपको तो खुद दिख रहा होगा कि वाकई में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम तो बोल रहे हैं कि पंचायत के कोई भी कर्मी आए यहाँ बैठ कर काम करें ना, हमको खुशी होगा कि और हमारे ताकत मिलेगा इस काम के लिए, हमको ताकत मिलेगी, हमारे यहाँ मानव बल हमारे साथ खड़े हैं। तो सर इस तरह का कहाँ काम हो रहा है? हम तो लगे हुए हैं अपने काम में, लोग देखिए लोग विरोध कर रहे हैं 35-40 साल से, जो काम नहीं हो रहा है ना वो हम काम कर रहे हैं। तो लोगों का लग रहा है कि भाई अगला काम कर रहा है, अब हमारा वहाँ हमारा दाल नहीं गलेगा, हमारा वहाँ मान सम्मान नहीं रहेगा। तो लेकिन काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए जो कहावत है भोजपुरी में कि हाथी चलती है बाजार में, कुत्ता भोंकता है, क्या बोलते हैं उस टाइप के है, तो उससे हम मतलब नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम कुमार हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत का विकास हो, हम कहीं भी आप हमको खोजिएगा वहाँ पर हम तत्पर हैं, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। हम एकदम जीरो टॉलरेंस पर हम काम करने वाले आदमी रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? औराई। औराई के रहने वाले। आपके गाँव में छठ घाट बन रहा है, सार्वजनिक छठ घाट बन रहा है जी। तो आपके नज़र से यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं किस क्वालिटी के कार्य हो रहे हैं? हमारे नज़र से तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कारोबार हो रहा है। आप ही के पंचायत कुछ लोगों का नाम है कि यहाँ पे दो नंबर ईटा के विरोधी के काम तो विरोधी करना होता है ना, विरोध करते हैं विरोधी। हकीकत क्या है तो जनता को पता है ना, तो जनता चुनकर खुदे भेजी है, जिस अच्छे आदमी को चुनकर भेजी है जनता। तो क्या लगा जिस उम्मीद और विश्वास पे आप लोग मुखिया चुने हैं अपना, उस उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतर रहे हैं? उतर रहे हैं, आप आए हैं, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि उनका काम मुखिया जी का नाम है कि 30 सालों से कार्य नहीं हुआ था जिसको हमने कराया है अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से कुछ भी काम नहीं हुआ था। औराई में हुआ था क्या, पहले देख लीजिए। औराई पंचायत से इस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, औराई पंचायत के औराई गांव में जो छठ घाट का निर्माण हो रहा है वहाँ से सीधे तस्वीरें आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। कार्य अभी प्रगति पे है और यहाँ पे लेबर अपना काम भी कर रहे हैं और यहाँ पे आके मैंने यहाँ के जो भी काम हुए अभी तक उसका निरीक्षण करके आपको दिखाने का हमने कोशिश किया। और मुखिया जी से भी मैंने बात किया और उनका भी जो सोच था वो अपने चैनल के माध्यम से पंचायत की जनता तक पहुँचाए। लेकिन एक चीज़ है कि जनता जिस उम्मीद और विश्वास पर इनको अपना मुखिया चुनी है, कहीं ना कहीं उनके उम्मीद और विश्वास पर ये खड़ा उतर रहे हैं, क्योंकि इनके पंचायत में ये जो कार्य था काफ़ी दिनों से स्थगित था, नहीं हो रहा था और यहाँ के लोगों को छठ घाट को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए मुखिया जी ने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य यहीं से शुरू किए हैं और यहाँ के लोगों की जो समस्याएँ हैं उस समस्या को जड़ से समाप्त करने का उन्होंने सोच रखा है। तो फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे थे N20 लाइव पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए।